हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रिप्टोग्राफी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें गाइस मैंने लगभग 30 के आसपास आपको एमसीक्यूज पढ़ाए हैं, राइट? तो उसमें हमने डीईएस वगैरह के डिस्कस किए थे, सिंपल अपना हमारा बहुत सारे जो बेसिक्स होते हैं कि क्रिप्टोग्राफी में क्या क्या आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उस पार्ट को आप देख लीजिएगा, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में, राइट? तो अब स्टार्ट करते हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है, राइट? एंड गाइस, नए हो चैनल पर, मैं बताना चाहूँगा क्रिप्टोग्राफी के डिटेल्ड वीडियोज़ बने हुए हैं, काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो इंग्लिश की सीरीज़ भी डल रही है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वैल्यू ऑफ Z15 पूछी हुई है हमारे को, सपोज चार ऑप्शन गिवन है। जेड क्या होता है गाइस? ये हमको रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रेसिड्यूज, राइट? ये सब मैं चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, बस मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ लिए हैं फ्रॉम सम ऑफ दी वेबसाइट्स, एंड गाइस कुछ मैंने नोट्स से आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, राइट? तो बाकी मैं वेबसाइट भी आपको बताऊंगा आगे कौन सी रेफर कर सकते हो आप, पहले मैंने आपको बताया। स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपका जेड ऑफ 15 होता है गाइस, तो सिंपली आपकी वैल्यूज होती है जीरो से स्टार्ट होती है एंड नंबर से एक कम होती है, तो जीरो से 14 तक जो भी आपका सेट होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, राइट? दिस व्हाट वी कॉल अ सेट ऑफ रेसिड्यूज। नाउ हैश फंक्शंस यूज अ की, ये आपकी ट्रू या फॉल्स पूछ रहे हैं। अगर आपने हैश फंक्शंस पढ़ा है गाइस, तो ऑब्वियसली इसमें आपकी की यूज नहीं होती है, तो हैश फंक्शन यूज अ की, ये हो गया आपका फॉल्स, राइट? क्योंकि उसमें हमारी कोई की यूज नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ इनकरेक्ट अबाउट दी हैश फंक्शंस। अगर आपने हैश फंक्शंस पढ़ा डिटेल में तभी आप इसका आंसर कर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, दे आर सिमिलर टू मैक बट डज नॉट यूज अ की, येस इट इज 100% करेक्ट, ओके? नाउ दे आर नॉट सिमिलर टू मैक बट डज नॉट यूज अ की, ओके? दिस इज रॉन्ग। वाई इज इट सो गाइज? बिकॉज आपके ये सिमिलर होते हैं मैक की तरह, ठीक है? मैक की तरह ही इनकी वर्किंग होती है, बट यहाँ पे हम कोई की यूज नहीं करते हैं। ये चीज़ सही है कि कोई की यूज नहीं होती है, बट दे आर सिमिलर टू मैक, ये हमारी बात सही होती है, नॉट सिमिलर टू मैक ये हमारी गलत बात होगी, ठीक है? तो हमारा आंसर इसका ये हो गया। नाउ आगे भी देख लेते हैं एक बारी। दे प्रोड्यूस अ फिक्स साइज आउटपुट, येस सही बात है, हैश कोड बनता है हमारा, या फिर हैश वैल्यू भी बोल सकते हैं। एंड दे आर सिमिलर टू मैक बट यूज अ स्पेशल की, ठीक है? वही वाला हो गया, फर्स्ट वाला पॉइंट ही, दे आर सिमिलर टू मैक वाले, और एक स्पेशल की यूज होती है, सही बात है। तो ये हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेन हैश फंक्शन इज यूज टू प्रोवाइड मैसेज ऑथेंटिकेशन, द हैश फंक्शन वैल्यू इज रेफर टू एज। अब अगर आपने हैश फंक्शन पढ़ा है तो फिर उसकी हम वैल्यू को क्या बोलते हैं, जो भी हमारी हैश फंक्शन से बनती है गाइस, उसको हम सिंपली अपना बोलते हैं मैसेज डाइजेस्ट, भी आप बोल सकते हो, हैश वैल्यू बोल सकते हो, या फिर हैश कोड बोल सकते हो, राइट? पढ़ाते हुए गाइस मैंने आपको ये डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो अब आप वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, लिंक सभी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में। आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा गाइस क्रिप्टोग्राफी सीरीज का इन हिंदी ऑन होल यूट्यूब, राइट? मैसेज डाइजेस्ट को हम क्या क्या कह सकते हैं गाइस? हैश कोड बोल सकते हैं, देखो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, हैश वैल्यू बोल सकते हो, या फिर हैश कोड बोल सकते हो, या फिर हैश वैल्यू, या फिर नन, आपको इसका आंसर बताना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हैश वैल्यू को आप अपना हैश कोड भी बोल सकते हो, राइट? हैश वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड हैश कोड एंड इट इज सिमिलर टू मैसेज डाइजेस्ट, तो ये तीनों नाम से हम उसको बुला सकते हैं, तो हमारा आंसर ये हो गया, राइट? नाउ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे हैशिंग के वीडियोस देखे तो कुछ कमेंट्स में डाउट्स काफ़ी सारे बच्चों को आ रहा था, तो इस चीज़ पे मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे आपके ये मेथड्स होते हैं, तो सिंपली कुछ लोग बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने हैश वैल्यू जैसी निकाली तो इसको हम प्राइवेट की से कैसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं। दिस इज़ टोटली करेक्ट दोस्तों, ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट होता है। मे बी उन लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर का वीडियो ना देखा हो, तो डिजिटल सिग्नेचर का वीडियो भी डाला हुआ है, अगर आपको और क्लियर कंसेप्ट चाहिए तो आप देख सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है, हम प्राइवेट की यूज़ कर सकते हैं और हम करते भी हैं टू अचीव दी कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ताकि हमको गाइस ऑथेंटिकेशन प्राप्त हो सके, राइट? तो ये सिनेरियो आपका होता है, तो दिस इज 100% करेक्ट। एंड गाइस कुछ बच्चे मेथड 4 में भी उनको डाउट है, ये पूछ रहे हैं, राइट, कि सर यहाँ पे तो आपने बोला कि सिमेट्रिक की हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पे एक ही की यूज़ हो रही है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, तो यहाँ पे पब्लिक की कंसेप्ट वगैरह कैसे यूज़ हो रहा है, मतलब वो कन्फ्यूज़ हो गए। देखो सिनेरियो ये है दोस्तों, जो आपकी हैश कोड निकल रही है ना वैल्यू, इसको हम इंक्रिप्ट कर रहे हैं यूजिंग द प्राइवेट की, ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट होता है, इससे ऑथेंटिकेशन आपको प्राप्त होता है, राइट? देन आफ्टरवर्ड्स जो भी आपका मैसेज है यहाँ पे अपेंड करने का, इसको हमने इंक्रिप्ट किया, और फिर इसके बाद हम सिंगल की यूज़ कर रहे हैं फॉर इंक्रिप्शन एंड सेम की इज़ यूज़ फॉर डिक्रिप्शन, तो ये आपका सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन टेक्निक हो गया, राइट? ये आपका सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर को अचीव करने के लिए सिनेरियो है। और हैशिंग में कुछ लोग बोल रहे हैं सर की यूज़ हो रही है, हैशिंग में कोई की यूज़ नहीं होती है दोस्तों। हैशिंग इज जस्ट कि आपने मैसेज को हैश फंक्शन में पास किया और एक आपको फिक्स साइज का आउटपुट मिला, जिसको हम हैश कोड बोलते हैं, या फिर मैसेज डाइजेस्ट आप उसको बोल सकते हो, राइट? तो यहाँ तक आपका हैशिंग कंसेप्ट हो जाता है, इसमें कोई की यूज़ नहीं हो रही है, इसके बाद हम की यूज़ कर रहे हैं टू अचीव ऑथेंटिकेशन एंड सेफ्टी, राइट? इंक्रिप्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हमें की यूज़ करनी पड़ेगी, डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें प्राइवेट की यूज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो ये सिनेरियो है, हैशिंग में आपकी कोई की यूज़ नहीं हो रही है, ये आपका एक डाउट था काफ़ी बच्चों का, तो ये मैंने क्लियर कर दिया, राइट? वैसे मैंने कमेंट्स में काफ़ी सारे बच्चों को रिप्लाई किया इस चीज़ का, बट देन ऑल्सो आई टोल्ड यू हियर। तो आगे देखते हैं, वी कैन अचीव ऑथेंटिकेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? किस किस से कर सकते हैं, मैसेज इंक्रिप्शन से कर सकते हैं, मैक से, या फिर हैश फंक्शन से, या फिर ऑल ऑफ द अबव से। गाइस आपने वीडियो देखे तो हम हर एक मेथड से अचीव कर सकते हैं अपने ऑथेंटिकेशन को, राइट? नाउ गाइस मैक क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड हमारा होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा प्लेन टेक्स्ट प्लस की हम देते हैं टू द ऑथेंटिकेशन फंक्शन, राइट?
एंड इसके बाद जो हमारा आउटपुट आता है उसको हम बोलते हैं मैक, और वो हमारा फिक्स लेंथ का होता है। ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट मैक। तीन चार लाइन दे देंगे, पूछ लेंगे क्या गलत है, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। डिटेल में आपको डिस्कस करनी चाहिए यार, देखो एमसीक्यूज के लिए आपको एक बार वीडियोस तो रेफर करने ही पड़ेंगे, तो डिटेल में आपको जाना था प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस सिंपली हमारा फिक्स लेंथ का कोड बन गया मैक होता है, इसको हम विच एक्ट्स एज अ ऑथेंटिकेटर राइट इस सिनेरियो में। नाउ हैश फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल मैक वाला ही कंसेप्ट है, बट यहाँ पर कोई की यूज नहीं होती है। इट गिव्स फिक्स लेंथ आउटपुट, ओके, लाइक मैक ओनली उसी तरीके का हो गया, कॉल्ड द हैश वैल्यू या फिर हैश कोड बोल सकते हैं। एंड हैश फंक्शंस को गाइस हम कंप्रेशन फंक्शंस भी बोलते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हैश फंक्शन में कोई आपकी की यूज नहीं होती है। मैक इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड, चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं गाइस। कीड हैश फंक्शन भी इसको बोला जाता है कहीं जगहों पे, राइट, ये बुक में आपको मिल सकता है या फिर वेबसाइट्स में मिल सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका एक एमसीक्यू हो सकता है। ना दोस्तों यहाँ पे हमारा डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट आता है इस वाले क्वेश्चन में। मेन डिफरेंस बिटवीन इन मैक एंड डिजिटल सिग्नेचर इज दैट इन डिजिटल सिग्नेचर द हैश वैल्यू ऑफ द मैसेज इज इनक्रिप्टेड विद द यूजर्स। अब हमको वो बोल रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर में इंक्रिप्शन किससे परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली गाइस हम प्राइवेट की से ही करेंगे अपना डिजिटल सिग्नेचर का जब भी हमारा कंसेप्ट आता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया प्राइवेट की से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी की यूज कर सकते हैं, ये दोनों आपके ऑप्शंस रॉन्ग है। नाउ मैक्सिमम साइज ऑफ द की इन ब्लोफिश एल्गोरिथम क्या होती है। अब गाइस ब्लोफिश एल्गोरिथम में क्या होता है, आपके वेरिएबल की साइज हो सकती है, राइट, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये सारी छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं कि ब्लॉक साइज क्या हो सकता है, कितनी सब की जनरेट हो रही है ना, कितने बिट की है या फिर कितने बिट की हो सकती है, ये सब चीज़ें गाइस आपके एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको एक टॉपिक लिखना है, उसकी जैसे आपने AES ले लिया, AES लिखो, उसकी सारी डिटेल्स उसके बारे में एक शॉर्ट सी जगह पे लिख लो कि इतने यहाँ पे की हैं, इतने ब्लॉक साइज हैं, इस फंक्शन से इतनी वैल्यू निकल रही है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तो अच्छे से आप उसको लिख लीजिएगा। तो सिंपली इसका आंसर गाइस हमारा हो जाएगा 448 बिट्स या फिर आपको 56 बाइट्स भी मिल सकता है। इट माइट हैपन बिट्स में आपको ना दें वैल्यूज, तो 56 बाइट्स होती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। नाउ गाइस ब्लोफिश के बारे में ही मैंने आपके लिए शॉर्ट में लिख के रखा हुआ है, ऐसे ही आप अलग अलग एल्गोरिथम्स का बना के चार्ट टाइप का लिख लीजिएगा, बहुत हेल्प होगी आपको, ठीक है। देखते हैं ब्लोफिश एल्गोरिथम में सिमेट्रिक की एल्गोरिथम होता है, एक की यूज होती है, राइट। ब्लॉक साइफर होता है आपका 64 बिट का ब्लॉक है, ठीक है। एमसीक्यूज में कुछ भी पूछ सकते हैं, हो सकता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द ब्लॉक इन ब्लोफिश एल्गोरिथम, चार पांच ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये आपके एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करने वाला है। किसने बनाया था, ब्रूस शाइनर ने बनाया था 1993 में। मिनिमम की साइज क्या हो सकता है गाइस, 32 बिट होता है या फिर 4 बाइट आप इसको बोल सकते हो। मैक्सिमम साइज होता है 448 बिट्स या फिर 56 बाइट्स, ठीक है, वही ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया आपका ये। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं दोस्तों, 16 राउंड्स होते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इट माइट हैपन पूछने की नंबर ऑफ राउंड्स इन ब्लोफिश एल्गोरिथम आर डैश, चार पांच ऑप्शन दे देंगे, तो 16 होते हैं आपके। और एस बॉक्सेस भी गाइस पूछ सकते हैं, मैंने एमसीक्यूज काफी सारे रेफर किए हैं आप लोगों के लिए, तो नंबर ऑफ एस बॉक्सेस भी काफी जगह पूछा गया है, तो 4 होते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इट फॉलोज फीएसटेल स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डीईएस भी फॉलो करता है और ये भी फॉलो करता है आपका फीएसटेल साइफर स्ट्रक्चर। 18 सब कीज आर यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये आपका सिनेरियो हो गया ब्लोफिश एल्गोरिथम के बारे में शॉर्ट में। नाउ गाइस यहाँ तक पहुंची हो तो वीडियो अच्छी लगी रही होगी और सीखने को काफी कुछ मिल रहा होगा, तो प्लीज लाइक जरूर करना है, ठीक है। आप लोगों के लिए कंटेंट अच्छा अच्छा बनाने में फिर मजा आता है और अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हैं। तो नाउ गाइस दो तीन मैंने क्वेश्चन लिख के रखे हुए, इस टाइप के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। हाउ मेनी एस बॉक्सेज इन ब्लोफिश हमने अभी डिस्कस किया ऊपर, राइट, चार होते हैं, तो सिंपली आपका आंसर हो जाएगा 4। हाउ मेनी एंट्रीज आर प्रेजेंट इन एस बॉक्स, ठीक है। अब आपको एस बॉक्स की भी डिटेल पता होनी चाहिए, गाइज मैंने हर चीज़ बताई हुई है डिटेल में वीडियो में, ठीक है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, तो आपको छोटी छोटी डिटेल्स पता होनी चाहिए, तो वीडियो जरूर रेफर करें। सिंपल भाषा में आपको मिल जाएगा ब्लोफिश एल्गोरिथम का वीडियो एंड AES का भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा ऑन होल यूट्यूब टिल डेट, तो चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ब्लोफिश एल्गोरिथम में गाइज क्या होता है, 256 होता है, राइट। एक एस बॉक्स है उसमें 256 एंट्री होती है और हर 256 एंट्री में 32 बिट का डेटा स्टोर होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, तो ये सिनेरियो हो गया। इनपुट टू एस बॉक्स क्या होता है या फिर आउटपुट फ्रॉम एस बॉक्स क्या होता है, ठीक है, एमसीक्यूज इस टाइप के भी बन सकते हैं, तो इसके लिए आप डिटेल वीडियो को जरूर रेफर कर लें। नाउ गाइस ECC क्या होता है, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हर चीज़ की, राइट, वो आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं तीन चार अलग अलग देखे, तो सिंपली ECC स्टैंड्स फॉर इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, राइट। तो ये आपका ये हो गया इलिप्टिव कर्व क्रिप्टोग्राफी, देखिए आपको वो अलग अलग दे सकते हैं कि इलिप्टिव कर्व क्रिप्टो सिस्टम होता है क्या होता है, तो क्रिप्टोग्राफी होता है, तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। नाउ गाइस इसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी हुई हैं, इट माइट हैपन आपको इसमें एमसीक्यूज मिल जाएं कि इट यूजेस एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन या फिर सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन या फिर नन ऑफ दीज करके, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि एसिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम को यूज़ करता है या फिर क्रिप्टोग्राफी आप बोल सकते हो। इसको गाइस हम अपना पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम भी बोल सकते हैं, राइट, पहले के वीडियोस में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है डिटेल में, आपको पता होनी चाहिए छोटी चीज़ें। स्मॉलर की साइज एज कम्पेयर टू RSA एंड हाई सिक्योरिटी, गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ECC की यही है कि यहाँ पे हमारा साइज जो है की का बहुत छोटा होता है और उस की के साइज को अगर हम कंपेयर करते हैं RSA के एल्गोरिथम में, तो की अगर हम यहाँ पे 100 बिट्स की यूज़ करें तो RSA में हमें बहुत हाई नंबर ऑफ बिट्स यूज़ करनी पड़ती है की की, राइट। तो उसका भी कंपैरिजन मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। इट माइट हैपन पूछ लें कि अगर हम ECC में 128
128 बिट की यूज़ कर रहे हैं तो सिमिलरली RSA में कितनी बिट की हमें यूज़ करनी पड़ेगी, उसका एक टेबल है गाइज, मैंने आपको उस वीडियो में समझाया, आप उसको जरूर रेफर कर लीजिएगा। राइट, यूजेस इलेप्टिव कर्व्स को ये यूज़ करता है, और इलेप्टिव कर्व्स क्या होते हैं गाइस, जिसपे भी आपका MCQ बन सकता है कि दे आर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और या फिर अनसिमेट्रिक। तो पता होना चाहिए आपको सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस आपका होता है, राइट, जिस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नाउ इफ वी ड्रॉ अ लाइन इट विल टच मैक्सिमम ऑफ 3 पॉइंट्स, ये मैंने आपको वीडियो में ग्राफ बना के भी समझाया था इस चीज़ का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ECC जब भी आएगा उस पर कोई भी आपकी कर्व होगी, ठीक है, इलेप्टिव कर्व ही होती है और वो सिमेट्रिक होती है एक्स एक्सिस की होती है हमेशा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। प्लस अगर आप उस पे कर्व पे कोई भी लाइन बनाते हैं तो 3 पॉइंट्स पे मैक्सिमम टच करेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राइट, नाउ AES पे कुछ चीज़ें देखते हैं, वी कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बहुत सारे अलग अलग राउंड्स दिए हैं कि या तो 10 राउंड हो सकते हैं, 12 या 14 या फिर 12 और 14, ओनली 10 या फिर 10 और 12 राउंड्स। तो अगर आपने वीडियो देखी है तो इट कैन हैव 10, 12 या फिर 14 राउंड्स, ठीक है। तो तीनों हमारी पॉसिबिलिटीज होती हैं एंड अकॉर्डिंग टू दिस हमारी 10 राउंड होंगे तो अलग की यूज़ होंगी, मतलब अलग नंबर ऑफ बिट्स यूज होंगी, 12 होंगे तो अलग नंबर ऑफ बिट्स यूज होंगी एंड सो ऑन फॉर दी 14 राउंड ऑल्सो। AES गाइस के आपका क्या है, सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर है, आपको पता होना चाहिए, इट माइट हैपन आपको पूछ ले MCQ में कि सिमेट्रिक की साइफर है या फिर एसिमेट्रिक की साइफर है या फिर नन ऑफ दीज है, तो उस चीज़ में भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं वही बोलूँगा यार, एक एक एल्गोरिथम लो, 4-5 पॉइंट्स उनके बारे में लिख के रख लो, बहुत हेल्प होने वाली है MCQ में, 5-6 बार रिविजन मारो, बहुत अच्छा पेपर आप लोगों का जाएगा। अब यार किसको बताता, COVID-19 की वजह से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपका MCQs होगा, तो इसीलिए MCQs बना रहा हूँ मैं, राइट। तो अब जैसे कि वो ये गाइस, इफ 10 राउंड होते हैं AES में तो की साइज़ क्या होगी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर 10 राउंड है गाइस आपका की साइज़ होता है 128 बिट, 12 राउंड है तो 192 बिट होता है, 14 राउंड्स हैं तो आपका 256 बिट होता है, 256 बिट्स, ठीक है। तो ये आपका सिनेरियो हो गया दोस्तों। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट DES एंड AES, हमको दे रखा है 5 पॉइंट्स, बताना है गलत कौन सा है। तो जिसने AES और DES पढ़ा हुआ है उसको कंसेप्ट क्लियर है, वही इसका आंसर कर पाएगा। तो देखते हैं, की साइज इन DES इज 64 बिट एंड AES इज 128 बिट, यस बिल्कुल सही है, यही होता है आपका। ब्लॉक साइज इन DES आपका 64 है और AES में 128 बिट्स है, ये भी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है गाइस आपकी। DES इज डिराइव फ्रॉम लूसीफर साइफर, यस मैंने आपको गाइस डिफरेंस जब समझाया था DES वर्सेस AES उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है गाइस ये आपकी। AES इज डिराइव फ्रॉम लूसीफर साइफर लाइक DES। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा शक हो सकता है बंदे को, मतलब अगर आपको आंसर नहीं भी बताया तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक करके खेल सकते हो कि DES अगर लूसीफर साइफर से हो रहा है और ये बोल रहा है कि AES भी उसी से डिराइव हो रहा है, तो ऐसा तो होना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो जिसने वीडियो देखी है उसको तो पता ही होगा कि इट इज़ डिराइव फ्रॉम स्क्वायर साइफर, ये तो बिल्कुल सही बात हो गई। तो ये आपका पॉइंट गलत हो गया, DES फॉलो करता है लूसीफर साइफर दोस्तों और AES आपका फॉलो करता है स्क्वायर साइफर को, ठीक है, इससे मतलब डिज़ाइन हुआ है वो बेसिकली। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका MCQ हो सकता है। सो दोस्तों काफ़ी MCQs हमने डिस्कस कर लिया और वीडियो थोड़ा सा लंबा भी जा रहा है, तो एक काम करते हैं, इसका एक और थर्ड पार्ट बनाता हूं मैं, उसमें आपको और मैं MCQs बताऊंगा, 15 से 20 MCQs उसमें भी डिस्कस करने वाले हैं। बाकी गाइस पहले वीडियो में मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन समझाए थे, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी के MCQs में, इसमें हमने 25 से 30 तो हमने डिटेल में डिस्कस करें, बहुत सारे मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए थे, तो इसको आप जरूर रेफर कर लीजिएगा, लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। प्लस जो गाइस अगला वीडियो है इसका थर्ड पार्ट मैं जल्दी ही लेकर के आता हूं फटाफट से, राइट। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, इंटरव्यू सीरीज गाइस मैंने डाली हुई है, बहुत सारी डाली कि कैसे क्या करना है, कब प्रिपेयर करना है, सब चीज मैंने डाली है, तो आप चेक कर सकते हो, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में। एंड यस काफी कुछ आपको सिखाने के लिए इस मोटिव से चैनल बनाया दोस्तों, तो यस जूनियर्स के साथ शेयर करो यार, ठीक है, जूनियर्स के साथ शेयर करो। एंड यार दैट्स इट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आगे भी मैं आपके लिए कंटिन्यू रखता हूं यही सीरीज क्रिप्टोग्राफी MCQs की।